राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका जी। बताइए। सारी आवाज जी आ रही है आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वो है ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमराना, बताइए जी। मुझे है ना, जस्ट जैसे दस का थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह का काम करते हैं ना, एलर्जी होती है, छींक आने लग जाती है, फिर जुकाम हो जाता है। कितनी उम्र है इमराना आपकी? 25। अच्छा बच्चा, देखिए जी ये मरज जिसको होता है उसमें कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी की कमी होती है, और अगर इसका इलाज 5-6 महीने किया जाए तो फ़ायदा मुमकिन है, बशर्ते कि आप खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें भी छोड़ दें इलाज के दौरान। तो उसका इलाज मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए, अगर आपके पास कलम है और कॉपी है तो आपके बड़ा काम आएगी। देखिए, सपिस्तान एक दवा है जिसको आसान जबान में लिसोड़ा कहते हैं, यानी लिसोड़ा 100 ग्राम और उन्नाप 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। सपिस्तान, उन्नाप, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाप की गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ेगी और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, पीपलें, इसमें 30 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। अब ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुझे से कहते हैं, गरम पानी या गरम गरम चाय के साथ आप सुबह निहार मुँह खाएँ, और रात को सोते वक्त 1-1 चम्मच इसका, छोटा चाय का चम्मच भर के खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। लेकिन 6-7 महीने लगातार लेनी होगी, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बिल्कुल ना खाएं, तो फ़ायदा मुमकिन है जी।